मुझे फसल की उतनी कीमत नहीं मिली और शहर के मुकाबले हमारे गांव में फसल की उतनी कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसा है तो फिर तुम्हारे पिताजी मंडी में जाके अपनी फसल को क्यों नहीं बेचते हैं? एक तो हम छोटे किसान हैं और हमारे पास छोटी जमीनें होती है, ना हम उतनी फसल पैदावार कर पाते हैं और ना ही हमारे पास उतनी सुविधाएं हैं कि हम मंडी में जा सके। तो तुम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें कई फायदे होंगे? एक बात बता दूं, हमारे बिहार में 83% किसान मार्जिनल फार्मर्स है, उसमें से 30% भूमिहीन है। अरे भाई, ऐसे ही किसानों के लिए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक वरदान है। क्या मैं जान सकता हूँ कैसे ये कोऑपरेटिव फार्मिंग एक वरदान साबित होगा? इसमें छोटे जमीन वाले किसान अपनी जमीन को कंबाइन करके खेती करते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है उस रेशियो में उसे बांट सकते हैं। कुछ और इसके बारे में बताओ। इसमें तुम कम्युनिटी बनाकर फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे महंगे मशीन खरीद सकते हो जिससे तुम्हारी खेती मैकेनाइज्ड हो जाए और साथ ही कम्बाइन वे में सीड्स और फर्टिलाइजर्स भी खरीद सकते हो। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपने गांव के मुखिया जी से इसके बारे में बात करता हूं। जी हाँ, अगर यहाँ के किसान खेती में बदलाव लाए तो बिहार के कृषि में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।